हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग डिफरेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने कुछ आपको एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, तो उस चार्ट के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हो कि टॉपिक वाइज आप कैसे पढ़ाई करो। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वह है पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्था क्या होती है। इसके बाद पदार्थ की, मैं यही बता देती हूँ कि पदार्थ की 3 अवस्थाएँ हैं। ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। गैस अवस्था, गैस अवस्था की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। और लास्ट है हमारा अणुगति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस के लक्षणों की व्याख्या। तो अणुगति सिद्धांत मींस हो गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये जो ठोस, द्रव और गैसों के लक्षणों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर के नाम को ही पहले समझते हैं कि हमारे आसपास का मतलब क्या हुआ और हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एक चित्र के माध्यम से दिखाती हूँ कि जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया है, चित्र में आप देख सकते हो कि एक लकड़ी का जो पेड़ है उसका बहुत बड़ा पार्ट है, वाटर ड्रॉप है, क्लॉस है, आइस क्यूब है। तो बहुत सारी ऐसी चित्र चीज़ें हैं जो चित्र में आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो हमारे आसपास का मतलब हो गया कि हम लोग को अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनकी आकृति अलग है, आकार अलग है, बनावट अलग है। आप जैसे चित्र में भी देख रहे हो, प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर के बनी होती हैं। पदार्थ में अन्य चीज़ें भी आ गई, हर एक जो भी आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं आसपास वो सारी क्या है, एक पदार्थ का कोई ना कोई रूप है। चाहे वह द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो। जैसे और एग्जांपल मैं देती हूँ जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पत्थर हैं, तारे हैं, बादल हैं, पौधे हैं, पशु हैं, यहाँ तक कि रेत का एक कण या पानी की एक बूंद, ये सभी क्या हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पदार्थ का अर्थ होता क्या है, ठीक है। तो हम बात सिर्फ अभी एक पदार्थ की करते हैं। तो पदार्थ का मतलब हुआ ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान एवं आयतन होता है या जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन पाया जाता है, पदार्थ कहलाता है। मैं अभी आपको समझाती हूँ द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है, दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। या एक उसके पहले एक और परिभाषा मैं आपको बताती हूँ पदार्थ की, सरल शब्दों में, जो आप हो सकता है आसानी से और ज़्यादा समझ में आए आपको। पदार्थ हर वो चीज़ जिसके पास द्रव्यमान है और आयतन है, द्रव्यमान मीन्स मास हो गया और आयतन है वॉल्यूम होता है, वह पदार्थ कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पानी है, पत्थर है, कुर्सी है इत्यादि, ठीक। अब हम डिस्कशन करते हैं कि मैं आपको और एक दिखा देती हूँ, एक डेफिनेशन जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि एक और डेफिनेशन है। मैंने आपको 3 डेफिनेशन सरल शब्दों में समझाने के लिए बताई है। एक और डेफिनेशन, हर वस्तु किसी चीज़ से मिलकर के बनी होती है जिसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, जैसे आपके घर में कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, वाटर है, कुछ भी है, वो छोटे छोटे किससे मिलकर के, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब मैंने आपको बताया था एक डेफिनेशन कि हर वह चीज़ जिसके पास द्रव्यमान होता है और आयतन होता है वह क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब आयतन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यहाँ आयतन होता क्या है। अच्छा, आयतन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आयतन, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि आयतन क्या होता है, ठीक है। तो आयतन करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है, आपने एक बुक ले ली, ठीक है, एक बुक ले ली, ठीक, एक बुक ले ली, माचिस की डिब्बी ले ली, कुछ ले लिया आपने। अब इस बुक ने जितना भी स्थान घेरा, ठीक है, जितना भी स्थान इसने क्या किया, घेरा,
वह इसका कहलाया क्या? वॉल्यूम, मतलब कि क्या कहलाया? आयतन कहलाया। तो इसने जितना स्थान घेरा वह कहलाया इसका वॉल्यूम, इसी को आयतन भी कहते हैं। तो आयतन की परिभाषा समझ में आ गई, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है, हो गई होगी आपको, ठीक है। अब द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान क्या होता है? चलिए हम द्रव्यमान की तरफ भी बढ़ते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है तो उसमें कितना पदार्थ पाया जा रहा है वह उसका द्रव्यमान कहलाएगा। तो या एक और सरल शब्दों में समझाती हूँ कि द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु में उपस्थित कितना मैटर उपस्थित होता है, यह उसका, यह जो क्वालिटी मैं बता रही हूँ उसका आंतरिक गुण होता है। किसी भी जगह पर और परिस्थिति में द्रव्यमान समान होता है, वह कभी बदलता नहीं है। इसका SI मात्रा किलोग्राम होता है या अदिश राशि होती है। किसी भी दिशा और दशा में द्रव्यमान बदलता नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे हिमालय पे चले जाएं, रेगिस्तान पे चले जाएं, किसी ग्रह पे चले जाएं, द्रव्यमान हर जगह समान रहेगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट को, कि द्रव्यमान और भार एक ही होता है, लेकिन उसमें काफ़ी अंतर होता है। मैं आपको भार के बारे में भी बता दूँ, आगे भी हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आगे वीडियो में एक बना दूंगी, द्रव्यमान और भार में क्या मेज़र होता है, डिफरेंस होता है, ये क्योंकि हमारा ये टॉपिक आज का है मैटर, तो हम उस पर ही चलते हैं पहले। लेकिन मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, भार क्या होता है। भार को पृथ्वी के केंद्र की, जो भार होता है वो वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला गुरुत्व जो बल होता है, गुरुत्व बल लगता है, को भार कहते हैं। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। ये तो जैसे पत्थर, कागज, लकड़ी, ये स्थान भी घेरता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है, लकड़ी, वायु, जल आदि, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट, ये है, फर्स्ट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ है, जैसे एक लकड़ी का गुटका ही ले लीजिए, आप लकड़ी का गुटका ले लीजिए, ठीक है, यहाँ ले लेती हूँ, मैं ऊपर चित्र बना देती हूँ। कोई एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए, तो ये छोटे 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 कणों से मिलकर के क्या है, बना होता है, ठीक है। तो लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो हम ये, इसकी एक यही क्वालिटी है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है और ये इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब ये कैसे समझते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? जैसे फॉर एग्जांपल है, आपने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास ले लिया, और उसमें क्या किया कि आपने नमक, फॉर एग्जाम्पल है, एक नमक लिया और नमक को लेकर के स्पून से इसमें मिला दिया, ठीक है, वाटर में जा करके नमक मिल गया। अब जब नमक मिल गया तो वाटर में क्या है, नमक घुल गया, ठीक है, जल में नमक घुल गया। क्यों घुला? क्योंकि ज़रूर कहीं ना कहीं जल के अणुओं में रिक्त स्थान या जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें रिक्त स्थान प्रेजेंट है, तभी वह जा करके पानी में नमक क्या है, वह घुल गया, ठीक। एक और एग्जांपल मैं बता देती हूँ कि जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। जैसे कि एक कोई कांच की ग्लास ले ली और आपने उसमें कंचे भर दिए, कंचे या छोटी कांच की गोलियों को बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब वो कंचे पूरे या कांच की गोलियां पूरी भर गईं, तो उसमें आप पानी डाल दिए, पानी डाल दीजिए ग्लास में, तो देखिए कि वो जो बीच बीच में, आपको पहले आप ग्लास को देखिएगा आराम से, तो उसमें बीच बीच में रिक्त स्थान दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसमें पानी जब डालिए तो पानी भी उसमें जा कर के सेट हो जाएगा, यानी कि रिक्त स्थान था तभी पानी जा कर के सेट हुआ। तो इसका ये पॉइंट भी हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान जो है वो होता है, ठीक। अब
हम बात करते हैं एक और क्वालिटी की, वह भी भौतिक स्वरूप है उसका, कि इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? जैसे कि कभी आपने एक पानी की ग्लास ली, ठीक है, अब उसमें शाही, उसमें 2 बूंद शाही की डाल दीजिए। देखिए वो जो आप ऊपर से शाही के 2 ड्रॉप डालते हैं और वो नीचे तक, पूरी शाही नीचे तक चली जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अणुओं की गति हो रही है, जो जल में प्रेजेंट अणु हैं उनकी गति के कारण वह शाही नीचे तक पहुंच जाती है। ये हम आगे अणु गति के सिद्धांत के आधार पर मैं आगे आपको चर्चा करूंगी, पूरा विस्तार पूर्वक प्रैक्टिकल सहित बताती हूँ। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो हम चर्चा करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। तो जैसा कि मैं आपको चित्र में भी दिखा रही हूँ कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो अवस्थाओं की बात होती है तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है और गैस अवस्था है। तो ठोस की जो एग्जाम्पल है, ठोस के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम, जैसे लोहा है, कांच है, लकड़ी है। द्रव के एग्जाम्पल जल है, पेट्रोल है। गैस का एग्जाम्पल वायु है और ऑक्सीजन है। ये सारे गैस के एग्जाम्पल हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, ये मैंने एक चित्र भी आपको दिखा दिया है और अभी इसके जो अणुओं के आधार पर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी कि आगे। चलिए अब पदार्थ की अवस्थाओं को हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये पदार्थ की अवस्थाएं। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, मैंने पूरा प्रॉपर राइट डाउन भी कर दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से नोट से स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहली जो इसकी अवस्था है ठोस अवस्था है। आइए इसकी थोड़ी परिभाषा समझते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आयतन मैंने अभी बता दिया था क्या होता है, आकार। 2 शब्द आ गए, आकार और आयतन। निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे पत्थर, लकड़ी, बर्फ। चलिए आइए इसको एक चित्र से समझते हैं कि क्या है। तो चलिए चित्र की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आपको एक यहाँ पे मैं आइस क्यूब दिख रही है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है, मतलब सॉलिड अवस्था में आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसका आपको आकार जो है, अर्थात ये इसकी चौड़ाई है पूरी, ये लंबाई है, ऊंचाई लंबाई, मतलब कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरी आराम से आपको दिखाई पड़ जाए, यानी कि उसका आकार कोई हो और उसकी आयतन भी हो, उसका आकार भी निश्चित हो। देखिए आपको ये जो बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है, इसका आकार भी दिख रहा है और इसका आयतन भी दिख रहा है, तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई कि ठोस वह होते हैं जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, चलिए अब हम इसके नेक्स्ट गुण की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहाँ से देखिए हो गया है कंप्लीट, कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है, बर्फ का टुकड़ा है, अगर आप उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। इसकी जगह लकड़ी का भी टुकड़ा रख लीजिए तो कोई भी ठोस दबाने से दबेगा नहीं, ये इसके गुण होते हैं। ठोस का घनत्व अधिक होता है। अब घनत्व जो एक शब्द आ जा रहा है ना, घनत्व, इसका क्या मतलब है पहले ये समझते हैं कि घनत्व का क्या मतलब है, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा और फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये घनत्व है क्या। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि एक घनत्व होता क्या है। एक निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं, एक निश्चित आयतन में। चलिए आपको एक उसका चित्र दिखा देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे कि यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चित्र है जो ठोस अवस्था का चित्र है, इसमें ये जो इसकी एक निश्चित क्या है, निश्चित आयतन है, आयतन है, ठीक, और उपस्थित पदार्थ की मात्रा, तो इसमें जितने भी अणु हैं, जितने भी अणु हैं जिस उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, इसको क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा, इसका ये घनत्व है। यानी कि देखिए ये एकदम पास पास अणु है तो इसका जो घनत्व क्या है, वह घनत्व क्या है, वो घनत्व बहुत ज़्यादा है, ये बहुत डेंस है। जैसे कि एक मैं आपको बताती हूँ कि एक एरिया है, ठीक है, उसमें मानिए कि एक एरिया है, उसमें उस एरिया में 1 एरिया में 1,000 लोग रहते हैं,
ठीक है, तो बहुत उसका घनत्व हो जाता है, घनत्व हो जाता है बहुत। इसके अगर दूसरी एरिया कोई है उसमें उसी उतने ही क्षेत्रफल में, उतने ही एरिया में अगर 100 लोग रह रहे हैं और दूसरी एक एरिया है जिसमें 1,000 लोग रह रहे हैं, तो जो 1,000 लोग की जो जहाँ पर रह रहे हैं उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो परिभाषा में आते हैं, घनत्व तो एक निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। तो देखिए इसमें अणु क्या है, बहुत पास पास है, तो इसका घनत्व क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने उस पे चलते हैं, पॉइंट्स पे चलते हैं। ठोस का तो ये लास्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट अपना चलते हैं कि ठोस के बाद हमारा आ गया सेकेंड, ये है द्रव्यवस्था। द्रव्यवस्था होती क्या है? द्रव्यवस्था जो है द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे जल, दूध, तेल, ग्लिसरीन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसके गुण की बात करते हैं, तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये मैं एक एक करके आपको ये इसके पॉइंट्स बता रही हूँ। इसका घनत्व तो अधिक होता है परंतु ठोसों की तुलना में कम होता है। याद रखिएगा क्योंकि कभी अंतर पूछे जाते हैं और मुख्यतः अंतर पूछे जाते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। तो घनत्व तो होता है परंतु ठोसों की अपेक्षा कम होता है। तो इसका घनत्व तो अधिक होता है परंतु ठोस की तुलना में कम होता है। द्रवों में बहने का गुण होता है इसलिए इसे तरल कहते हैं, इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। तो चलिए हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। जैसे ये लिक्विड मानी के ग्लास है, ठीक है। अब ग्लास में क्या भरा हुआ है कि ग्लास में ये जो लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है इसमें इसके जो कुछ क्वालिटीज़ है कि इसका आयतन निश्चित है। ये जितना घेर रहा है जगह, ये देखिए इसकी जो आयतन तो है ये निश्चित है कि हाँ ये इतना जगह घेरेगा, इतना स्थान घेरेगा, मतलब घेरेगा, तो इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार निश्चित नहीं है का क्या मतलब है कि जैसे कि इसका आयतन जो लिक्विड द्रव अवस्था होती है उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में, अभी ये ग्लास में है तो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर इसको बाल्टी में रखा जाए, ठीक है, तो ये बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर इसको टब में रखा जाए तो ये टब का आकार ग्रहण कर लेगा। इसको बॉटल में रखा जाए तो ये बॉटल का आकार ग्रहण कर लेगा। अर्थात इसको जिस पात्र में रखा जाएगा यह उसका आकार ग्रहण कर लेगा। इसका घनत्व अधिक होता है परंतु ठोसों की तुलना में कम होता है। इस चित्र में आप देख लीजिए, ये सेकंड है, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो आपको एक लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला बीकर है उसमें देखिए कि कोई विलयन भरा हुआ है, या कह सकते हैं जल, मतलब एक द्रव व्यवस्था है इसकी, उसमें मानिए जल भरा हुआ है। तो आप चित्र में जैसा देख रहे हैं कि जो इसके अणु हैं वह ठोस की अपेक्षा क्या है, दूर दूर हैं, यानी कि इस घनत्व तो पाया जाता है परंतु ठोस की अपेक्षा कम पाया जाता है। अब इसमें जो इसमें बहने का गुण होता है, तरल में बहने का गुण होता है, तो इसलिए इसमें तरलता का एक गुण भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था की, जिसको बोलते हैं गैसीय अवस्था। तो आइए समझते हैं क्या होती है गैसीय अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है, वह गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, वायु है आदि। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये समझते हैं। गैसों का ना तो कोई आकार निश्चित होता है ना ही कोई आयतन निश्चित होता है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है यह उसी पात्र का आकार एवं आयतन प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है इसका पॉइंट कि गैसों का घनत्व तो बहुत कम होता है, समान आयतन के द्रवों व ठोसों की अपेक्षा यह बहुत हल्की होती है। गैसों में तरलता का गुण पाया जाता है। तो इसके ये 4 पॉइंट तो कंप्लीट हो गए। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पॉइंट वाइज कि कैसे इसको एक एक करके इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हम लोग ने 2 प्रॉपर्टीज़ तो समझ ली है, अब तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आपने जैसे चित्र में देखा कि जो तीसरी अवस्था है, यहाँ पे एक बलून दिखाई पड़ रहा है आपको। ये इस जो बलून है इसमें गैस भर दी गई है,
तो ये देखिए कि अगर ये जो बलून है ये अगर गोल आकार का होगा तो ये इसने गोल शेप ले लिया होता, अगर ये हार्ट शेप होता तो ये हार्ट शेप ले लेता, या ये कुछ जैसा भी इस बलून का शेप होता गैस के कारण यह उसी शेप का हो जाता। ठीक है, तो ना इसका ना कोई आकार निश्चित हुआ, ना यहाँ पर ना कोई आयतन निश्चित हुआ। जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र में ये उसी का वो आकार व आयतन प्राप्त कर लेता है। इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। आपने जैसे पहली अवस्था में देखा था ये है जो सॉलिड, तो इसमें देखा कि जो इसके अणु हैं वो बहुत पास पास आपको दिखाई पड़े, क्योंकि इसमें घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, इसमें आकर्षण बल लग रहा था, जिसके कारण जो अणु हैं वो आपस में एक दूसरे को बांध के रखते थे। तो दूसरी अवस्था में आपने देखा जो द्रव्य की अवस्था है, इसमें क्या था कि घनत्व तो ठोस की अपेक्षा कम हुआ, क्योंकि जो इसमें आकर्षण बल लगा अणुओं के बीच वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो इसका घनत्व तो अकॉर्डिंग टू सॉलिड कम हो गया। अब सबसे जो कम घनत्व तो पाया जाता है वो गैस में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने दूर दूर हैं इसके जो अणु हैं, वह बहुत दूर दूर हैं। तो इसमें जो सबसे जो घनत्व है वो सबसे क्या है, कम है, क्योंकि इसमें आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा कम है और इसके अणु जो हैं वो एक दूसरे को बांध के ना नहीं रख पाते हैं। ठीक है, इसमें आकर्षण बल ना के बराबर लगता है, इसलिए इसका घनत्व जो है वह बहुत ही ज़्यादा कम होता है अकॉर्डिंग टू जो आपका सॉलिड है एंड लिक्विड है। अब बार बार हम एक शब्द का यूज़ करें, अणु। तो अणु क्या है, जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए बता दूं कि द्रव्य अत्यधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। द्रव मतलब हो गया पदार्थ, तो जो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम जरा थोड़ा सा आपको मैं कुछ एग्जांपल आपको मैं चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो देखिए, आपके थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। तो ये सारे जो चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन किस में आता है, सॉलिड में क्या आता है, लिक्विड्स में क्या आता है एंड गैसेस में क्या आता है। चलिए, अब ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक है जो पदार्थ की अवस्था है वो तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो अणु गति सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या करनी है, तो उसको हम नेक्स्ट